गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूँ पीयूष सेनी, वेलकम आपका हमारे चैनल पे। आज हम आए हैं सूरजकुंड मेला। आज मैं अभी तो मैं पार्किंग में ही खड़ा हूँ और अभी यहाँ पे ना पार्किंग में जो आपने देखा कितनी सारी यहाँ पे गाड़ियाँ आई हुई हैं, और जबकि आज संडे है तो भाई बड़ा गंदा सीन हो रखा है। बाकी चलते हैं सीधा अंदर और मैं आपको अंदर दिखाता हूँ क्या होने वाला है। मेरा तो फर्स्ट टाइम है, तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है मेरा, तो बढ़िया मैं तो एक्साइटेड हूँ। बाकी चलते हैं, दिखाता हूँ आज आपको क्या होता है। लेट्स गो। सो गाइस, जैसे आपको दिख रहा है राइट में दिल्ली की ओर जा रहा रास्ता और लेफ्ट में पड़ेगा हमारा सूरजकुंड का मेला। अब जैसे आगे आपको एक बोर्ड दिख रहा होगा, इस पर लिखा है 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला, जो 19 मार्च से 4 अप्रैल 2022 तक लगा है। अब यहाँ से चलते हैं अंदर और अंदर आपको दिखाता हूँ पूरी कहानी क्या होता है, कैसे होगा। और इस साइड में लगा है सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला, द सिटी ऑफ टेम्पल्स जम्मू। अच्छा, मतलब जम्मू के जितने भी टेम्पल्स वगैरह वो यहाँ पे दिखाए हुए हैं। तो ये है गेट नंबर 1 और यहाँ से शुरुआत होती है पूरी कहानी की। तो मिलते हैं, पहले टिकट वगैरह ले लेते हैं और फिर मिलते हैं आगे। और ये रास्ता सीधा जा रहा है आगे सूरजकुंड मेला की ओर। तो ये है यहाँ का टिकट काउंटर, और यहाँ से पहले हमें टिकट लेनी पड़ेगी अंदर जाने के लिए। अभी 1-2 बज रहे हैं तो इसलिए इतनी ज़्यादा लाइन तो लगी है नहीं, बट आप लोग हो तो टाइम से आना। हमें पर पर्सन टिकट पड़ेगी यहाँ पे 180 रुपीज़ पर पर्सन की। सो फाइनली अब टिकट ले लिए, अब चलते हैं अंदर और अंदर चल के देखते हैं कि अंदर किस तरीके का माहौल है और कितना मज़े आने वाला है। तो ये हो गई हमारी यहाँ पर चेकिंग। अब यहाँ से चलेंगे सीधा अंदर। अब यहाँ से एक क्रॉस चेक ये होगा। यहाँ पे चेकिंग भी टाइट ही है, अच्छी सिक्योरिटी है, ऐसी बात नहीं है। सो गाइस, फाइनली एंट्री हो चुकी है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है असली मेले की जर्नी। तो जैसे राइट साइड में यहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए हैं। धूप तो कुछ ज़्यादा ही हो रही है यार, तेज। और लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे कुछ झूले वगैरह के बहुत सारे वो झूले वगैरह लगे हुए हैं, जो कि शायद अभी चालू नहीं है, शाम को चालू होंगे। तो शायद अभी दोपहर हो रही है, अभी 1-2 बजे का टाइम है ना, तो इस मारे चालू नहीं होंगे। तो अभी स्टॉल्स वगैरह देखते हैं। यहाँ पे सामने स्टॉल्स वगैरह लगे हुए हैं, वहाँ से स्टार्ट करते हैं क्या क्या है। तो अभी तो हम यहाँ पहुँच गए हैं मेला ग्राउंड में। तो अभी तो ठीक ही लग रहा है ना, हल्का फुल्का, मेरे को ज़्यादा कुछ खास तो लगा नहीं अभी। रुको जरा, सब्र करो। बाकी चलते हैं अंदर, क्योंकि धूप भी ज़्यादा हो रही है ना, तो इसमें सही भी नहीं लग रहा। बाकी चलते हैं, देखते हैं क्या होता है अंदर। जैसे कि अभी आपको दिख रहा है, यहाँ पे अभी स्टॉल्स वगैरह लगे हुए हैं। तो यहाँ पे तो मेरे को कुछ ऐसा दिखा नहीं, लेकिन ठीक है, यहाँ पे ना काफ़ी यूनिक आइटम्स हैं। ओए, ये वाला कारपेट अच्छा लग रहा है, लेके जाऊँगा। अब ये रास्ता अंदर जाने के लिए है, यहाँ से चलते हैं सीधा अंदर और अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है और क्या नहीं। तो जैसे कि आप देख रहे हो, अब यूनिक चीज़ें ना, मेरे को एंटीक चीज़ें दिखना स्टार्ट हो गई है, जैसे अलग अलग टाइप के। ये गेट ही है, छत्तीसगढ़ गेट। ये बेल, यहाँ पे कुछ डिफरेंट टाइप की बेल्स हैं। ऐसी बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं, देखने को मिल जाएंगी। तो गाइस जी हम आ गए हैं अपना घर। तो दोस्तों ये बहुत बढ़िया एक कल्चर दिखाया है यहाँ पे हरियाणा का, राजस्थान का, जहाँ पर लोग आज भी किस तरीके से क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं और कितना सिंपल लिविंग में रहते हैं, जो आजकल शहर में बहुत कम देखने को ही मिल रहा है ही नहीं बेसिकली। सामने आप देख रहे हो ये हुक्का रखा हुआ है, जो वहाँ पे आज भी बड़े बूढ़े आज भी पीते हैं। वहाँ का ये एक रिवाज कल्चर बना हुआ है, ट्रेडिशन जिसे कह लो। और यार वहाँ पर ना आज भी आपको ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिल जाएगी ना जो आपने कभी देखी भी नहीं होगी। अब जैसे मैं ये देखो आप साइड में मटके कितने टाइप के रखे हुए हैं यहाँ पे, और इसे कहते हैं ओखली, ओखल, जिसमें जो वहाँ की लेडीज़ हैं और वहाँ पर ना बहुत सारे इसमें चीज़ें कूटी जाती हैं, पीसी जाती हैं। और साइड में ये देख रहे हो आप गंडासा, ये एक चारा काटने की मशीन होती है। अभी मैं आ चुका हूँ यहाँ पे फूड कोर्ट में और मेरे पीछे है हरियाणवी रसोई। मैं आपको दिखाता हूँ मेरा खाना है यहाँ पे, हरियाणवी थाली मेरी रेडी हो रही है। ये अंकल हैं जो रेडी कर रहे हैं, बाकी मैं दिखाता हूँ। अंकल ये क्या बनाया है? ये मक्के का बाजरे की रोटी तैयार हुई है। अच्छा, मक्के की बाजरे की रोटी तैयार हुई है। तो यहाँ से अपनी बन रही है हरियाणवी थाली बन रही है। गाइस ये आ गई अपनी थाली, बाजरे की रोटी, मक्के की रोटी, गुड़ और ये बटर, सरसों का साग और कड़ी। देसी खाना देसी रहना। तो गाइस अभी बाहर की तरफ आ गए हैं और खाना वाना हमने खा लिया है, हरियाणवी थाली जैसे आपने देखा अभी। और वहाँ पे ना डांस वगैरह हो रहा है, ढोल वगैरह बज रहे हैं। जरा वहाँ चल के देखते हैं कि क्या सीन है। गाइस जैसे कि आप देख रहे हो सामने है, एक उधर की तरफ ढोल का वेरिएशन है, इधर राजस्थानी ढोल है, उधर आई थिंक महाराष्ट्री ढोल है, उधर इधर राजस्थानी है, उधर दिल्ली है, पंजाबी ढोल, राजस्थानी ढोल, महाराष्ट्री ढोल। यहाँ चलते हैं, बढ़िया लग रहा है। जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे इतना मतलब पहले मैंने सोचा ही था कि यहाँ पे इतना कुछ हो रहा होगा, लेकिन काफ़ी बढ़िया हो रहा है यार। और ढोल भी काफ़ी टाइप के हैं और मेले ये जो है ना सूरजकुंड का काफ़ी बढ़िया है, तो मस्ट विज़िट, एक बार ज़रूर आके देखो। मेरे को तो अब थोड़ा बेटर लगने लग रहा है। बाकी देता हूँ आपको घर जाके ना बढ़िया रिव्यू देता हूँ इसके बारे में। बाकी अभी एक्सप्लोर करते हैं, चलो। आई होप आपको मज़ा आया हो सूरजकंड का मेला देखकर। और मेरे को तो काफ़ी आ गया, मैं तो नेक्स्ट टाइम भी आऊँगा फिर से। बाकी यहाँ पे ना भीड़ बहुत हो गई है और संडे वैसे ही है, तो बने रहो, देखते रहो। अभी मिलते हैं आगे, ज़रा बाहर की तरफ निकलते हैं। सो जैसे कि आपने देखा मेरे पीछे सारा ये मेला ग्राउंड है और वहाँ पर है हमारा सूरजकुंड का मेला। तो जो जो अभी तक यहाँ पे नहीं आया है भाई, यहाँ पे जरूर आओ, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया आपको लगेगा। अच्छा, और आज 3 अप्रैल है और कल है 4 अप्रैल, कल का आखिरी दिन है। और ये वीडियो पता नहीं शायद 1-2 दिन बाद ही आएगी, तो फिर भी आना, नेक्स्ट ईयर तो ज़रूर आना, मैं ज़रूर आऊँगा। और नेक्स्ट ईयर क्या पता हम सब साथ में ही आएँ। और जब तक के लिए भाई देखते रहो, बने रहो, हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो। और बाकी मिलते हैं हम अगली वीडियो में। और जब तक के लिए जय भारत, जय हरियाणा, जय राम जी की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।